नमस्कार, मैं डॉक्टर बी डी पारसेवार, स्त्री रोग व प्रसूति शास्त्र तज्ञ और वंधत्व निवारण तज्ञ, ओम साई हॉस्पिटल वसई पूर्व, ओम साई हॉस्पिटल नालासोपारा पूर्व और झायगोट आई वेब सेंटर वसई पश्चिम। आज का अपना चर्चा का विषय है IUI, कौन से पेशेंट ने करना चाहिए, कौन से पेशेंट ने नहीं करना चाहिए, यानी IUI कौन से पेशेंट में फ़ायदा होता है और IUI से कौन से पेशेंट में बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि IUI कौन से पेशेंट ने करना चाहिए। सबसे पहला कॉमन इंडिकेशन है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मीन्स इसका मतलब जो भी दाम्पत्य है, जो भी कपल है, उनके सब रिपोर्ट्स, पुरुष के रिपोर्ट्स, स्त्री के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या वो कंसीव नहीं हो पा रही, ऐसे पेशेंट के लिए IUI एक अच्छा उपचार प्रणाली है। दूसरा कारण है जो भी मेल फैक्टर इन्फर्टिलिटी है, बॉर्डर लाइन मोटिलिटी कम है या थोड़ी सी मात्रा में शुक्राणु की संख्या कम है, ऐसे पेशेंट के लिए भी IUI फायदे का होता है। जो पेशेंट को एंडोमेट्रोसिस का शिकायत है या AMH लोअर साइड में है, ऐसे पेशेंट ने भी IUI करना चाहिए, उनके लिए फायदे का होता है। जो पेशेंट में शुक्राणु की संख्या जीरो है, अजोस्पर्मिया है, या शुक्राणु बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे पेशेंट के लिए IUI विद डोनर सीमेन एक विकल्प उपलब्ध रहता है। अभी हम चर्चा करते हैं कि IUI कौन से पेशेंट ने नहीं करना चाहिए। जो पेशेंट में बायलैटरल फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, यानी दोनों बाजू का नली ब्लॉक है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक माध्यम है पुरुष बीज और स्त्री बीज के मिलन का, अगर वो रास्ता बंद है तो ऐसे पेशेंट ने IUI नहीं कराना चाहिए। जो भी पेशेंट में सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन है या सर्वाइकल इन्फेक्शन है या सीवियर सर्वाइकल स्टेनोसिस है या एट्रेजिया है, ऐसे पेशेंट ने भी IUI नहीं करना चाहिए। जो पेशेंट में सर्वाइकल म्यूकस होस्टाइल है या हानिकारक है, ऐसे पेशेंट में भी IUI फायदे का होता है। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।